वेलकम फ्रेंड्स, वी आर स्टार्ट द टेस्ट फॉर टुडे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आईसीटी एंड नेटवर्क, जो एनटीए नेट जे आर ए फर्स्ट पेपर का जो पेपर टेस्ट है वहाँ पे हम आज जो हमारा स्टार्टिंग जो कर रहे हैं, फर्स्ट आज ट्रायल है। आज देखते हैं कितने लोग हमारे चैनल में क्या क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है नेट का जो फर्स्ट पेपर, जहाँ पे हम 10 चीज़ें देखते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद में एक टॉपिक यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है आईसीटी एंड कंप्यूटर नेटवर्क। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस तरह से जो प्रश्न आते हैं, तो लगभग जो 10 टॉपिक हैं, सभी से 5-5 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर पे, और उसमें से जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो लगभग आईसीटी एंड कंप्यूटर नेटवर्क में से मोस्टली ये 100% आते ही आते हैं। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे बायलिंगुअल होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में होंगे। तो जो सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस किए जाएंगे वो आज कंप्यूटर बेसिक्स के होंगे। कंप्यूटर बेसिक्स, जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लोग, मानिक चंद्र यादव, धीरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, प्रत्युषा साहा, हेलो जी। आप लोग जो भी वॉच कर रहे हैं वो हमारे क्वेश्चंस को वॉच करेंगे, साथ साथ में आपके रिस्पॉन्स भी आने चाहिए। तो आपको क्विक रिस्पॉन्स देने हैं, ऑप्शन देना है। जी हाँ, अंजलि चौधरी जी, हेलो। जो भी लोग जुड़ रहे हैं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 10 बजे हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको स्टार्ट करने का टाइम रहता है, तो 10 बजे आप लोगों को अलर्ट रहना है। 10 बजे का जो टाइम है, मैंने वो कोशिश इसलिए करी कि 10 बजे की टाइमिंग में अगर आप लोग, वो सारे लोग हो सकते हैं जो लोग हमारे टेस्ट में जॉब करते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी में फर्स्ट पेपर एक कॉमन पार्ट होता है। ये टेस्ट सीरीज हम डेली इसी टाइम पे चलाने वाले हैं, अगर कोई भी टाइमिंग चेंज होगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जी हाँ, रीना देवी जी नमस्कार। जी हाँ, कई सारे लोग जुड़ रहे हैं। जो वॉच करने वाले लोग हैं उनको क्विक रिस्पॉन्स देना है। एक जो लाइव टेस्ट सेशन है वो हम पहले उसको पहले से ही प्ले कर रहे हैं, वो हिंदी साहित्य की है, हिंदी लिटरेचर है। दूसरा जो फर्स्ट पेपर, जो सभी सब्जेक्ट का कॉमन टॉपिक होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाँ, एक और चीज़ है, हमारे चैनल को आप यूट्यूब पे और व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम सभी माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के लिए आपका एक, आपको हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है 9415250028, PDF और लाइव क्लासेस के डिटेल्स के लिए। स्टार्ट करेंगे आज हमारे पास जो बेसिक्स कंप्यूटर में होगा, कंप्यूटर में बेसिक्स में जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक जनरेशंस के बारे में। उसके अलावा जो आज का जो टॉपिक है उसमें फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो अभी आप प्रीवियस पेपर्स को देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता ही मिलता है। स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन का रिस्पांस फटाफट देना है आपको। द टास्क ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या कार्य है? सूचनाओं का संकलन एवं संग्रहण करना, कंपाइलिंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का संप्रेषण करना, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज डूइंग ऑल द अबव। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है राइट आंसर। मानिक चंद यादव जी का उत्तर आ चुका है, ए ऑप्शन, ही सेज दैट ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बद्री सुहासिनी जी डी बता रही हैं। फटाफट आप लोग जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फटाफट आपको रिस्पॉन्स देते रहना है। रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जी हाँ, बद्री सुहासिनी जी फर्स्ट का डी, अंजलि चौधरी जी का डी ऑप्शन है। फटाफट आपके रिस्पॉन्स आते रहने चाहिए। हाँ, जो लोग वॉच कर रहे हैं अपने रिस्पॉन्स देते रहें। सूचनाओं का संकलन करना, संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण करना, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें बताइएगा। मोनिका मिश्रा जी का डी ऑप्शन है। जी हाँ, सुखदीप जी हेलो, फटाफट आपको आंसर्स देते रहने हैं। आपको अगर लैंग्वेज से कोई दिक्कत हो रही हो या फिर टेस्ट में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर इन्फॉर्मेशन देते रहें। इसके बाद में देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, सुमन कुमारी जी डी ऑप्शन बता रही हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, उक्त सभी का काम करना। यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो कार्य है, बेसिकली सूचनाओं का संकलन एवं संग्रहण करना, कंपाइलिंग द स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन,
संप्रेषण करना, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन एंड सूचनाओं को प्रोसेसिंग करना। तो ये जो प्रोसेसिंग और ये तीनों सारे काम हैं ये कंप्यूटर में किए जाते हैं, यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कार्य के रूप में आते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाफ ड्यूप्लेक्स इज, आपको बताना है ये संचार की एक विधि है, खाने की एक विधि है, योग की विधि है, या सभी, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ ईटिंग, मेथड ऑफ योगा एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ ड्यूप्लेक्स जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स या ड्यूप्लेक्स उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको फटाफट रिस्पॉन्स देने, सुमन कुमारी जी का फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन बोल रहे हैं। जी हाँ, अश्विनी जी का ए ऑप्शन है। फटाफट आपको रिस्पॉन्स देते रहना, जो भी लोग वॉच कर रहे हैं रिस्पॉन्स देते रहें। जी हाँ, फटाफट। मानिक चंद्र यादव जी डी ऑप्शन है, अंजलि चौधरी जी का ऑप्शन सही है। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, अगर कोई इसका रिस्पॉन्स दे सकता है, हाफ ड्यूप्लेक्स के बारे में बता सकता है, तो वह भी फटाफट टाइप कर देगा कि हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है जहाँ पे जो नेटवर्किंग है सेम टाइम में। जी हाँ, जो सही उत्तर होगा उसका ए ऑप्शन होगा, संचार की एक विधि है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। जी हाँ, ये जो सुखदीप जी, आपका उत्तर सही है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के मेथड्स के रूप में तीन चीजें हैं। सिंप्लेक्स, जहाँ सिर्फ एक तरफ या एक साइड में डाटा ट्रांसफर किया सकता है। हाफ ड्यूप्लेक्स में सेम टाइम में दोनों तरफ डाटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, एक समय में एक ही तरफ डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। और ड्यूप्लेक्स यानी जो फोन कॉल होती है, तो फोन कॉल जो हमारी होती है वहां पे हम एक समय में डाटा सेंड भी करते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स में ऐसा नहीं होता। हाफ ड्यूप्लेक्स जो संचार होता है वो एक समय में, जैसे वॉकी टॉकी होता है, वो इसका ही एक एग्जाम्पल है। जी हाँ, दिनेश राणा जी, आप क्वालिटी सही कर लीजिएगा। अगर आप 144 को 360 पिक्सल्स पे ले आएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ AI इज, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है AI फुल फॉर्म, जो फोन्स में इस समय यूज हो रही है, और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछता है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो करंट से रिलेटेड आते हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको करंट से रेफरेंस में ही देखना है, और तभी आपका जो एग्जाम है वो आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक इंटीग्रेशन, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन एंड अर्थमेटिक इंटेलिजेंस, जो भी लोग हमारे साथ हैं, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो फटाफट हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन क्लिक करेंगे, और उसके बाद साथ साथ में आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जा सके। जी हाँ, जो टाइम मैंने डिसाइड किया है 10 o'clock, तो आप 10 बजे अगर आप यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो हमको टाइम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो जो भी है आप हमें ज़रूर बताइए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 3 का सी ऑप्शन है, अंजलि चौधरी ए ऑप्शन बता रही हैं, सुमन कुमारी जी का सी है, दिनेश राणा जी, बद्री सुहासिनी जी का ए ऑप्शन है, फटाफट मानिक चंद्र यादव जी सी ऑप्शन बता रहे हैं। सही उत्तर क्या होगा, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI में ए ऑप्शन सही होगा। प्रमोद शौकीन जी ए ऑप्शन बता रहे हैं। जी हाँ, ये जो ए ऑप्शन है इसलिए क्योंकि AI टेक्नोलॉजी, यानी वो फेस डिटेक्ट करता है आपके रेटिना को, जो हम यूज करते हैं फोन, जिसमें हम फिंगरप्रिंट लॉक ले लेते हैं, दूसरी चीज उसमें हम फेस डिटेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी वो सिक्योरिटी पर्पज से अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, यानी जो पासवर्ड वाली सुविधा जैसा हम आज तक प्रयोग करते आ रहे हैं, तो उसी को टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट कर दिया गया है, और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, कंप्यूटर मल्टीमीडिया डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर को प्रयोग किया जाता है, फॉर ऑटोमेशन, मनोरंजन के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट, थर्ड ऑप्शन सैन्य प्रयोग में, इन मिलिट्री यूज, एंड फोर्थ वन चिकित्सा जगत में, इन मेडिकल वर्ल्ड। फटाफट आपको रिस्पॉन्स देते रहना है। जी हाँ, मोनिका मिश्रा जी का तीसरे का ए है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको रिस्पॉन्स देना है, ऑटोमेशन के लिए, मनोरंजन के लिए, सैन्य प्रयोग में, चिकित्सा जगत में, या फिर जो सही उत्तर होगा वो इन मेडिकल वर्ल्ड। फटाफट आपको रिस्पॉन्स देते रहना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर्स आर यूज बाई मल्टीमीडिया डिवाइसेज, कंप्यूटर्स आर यूज बाई मल्टीमीडिया डिवाइसेज, ऑप्शन के साथ साथ में आप क्वेश्चन का नंबर भी नोट करें। जी हाँ, कंप्यूटर्स आर यूज
बाय मल्टीमीडिया डिवाइसेस फॉर ऑटोमेशन, मनोरंजन के लिए, सैन्य प्रयोग में या फिर चिकित्सा जगत में। पारुल राय जी वेलकम, बी ऑप्शन बता रहे हैं। फटाफट जो लोग हमारे साथ में जो डेली वॉच करते हैं चैनल को वो अच्छे से रिस्पांस दें, जो लोग नए हैं वो भी हमारे चैनल में रिस्पांस देते रहें। अगर आपको हमारे चैनल इस तरह से पीडीएफ का डिटेल्स चाहिए होगा तो आप हमें, जी हाँ अंतिमा तिवारी जी वेलकम, बी ऑप्शन बता रहे हैं। जो भी लोग ऑप्शन दे रहे हैं उसके साथ साथ में क्वेश्चन का नंबर जरूर यहाँ पे सेलेक्ट करें। अगर आप क्वेश्चन का नंबर दे देंगे तो उसके साथ साथ में आप ऑप्शन देंगे तो हम ये पढ़ सकेंगे कि कौन सा उत्तर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ मानिक चंद यादव जी बी ऑप्शन बता रहे हैं। सही उत्तर जो होगा इसका बी ऑप्शन ही होगा, मनोरंजन के लिए। मल्टीमीडिया डिवाइसेज जहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट, प्ले, पॉज ऐसे बटन्स होते हैं उन्हीं को मल्टीमीडिया डिवाइसेज के रूप में यूज करते हैं, इसलिए ये जो है मनोरंजन के लिए होगा, फॉर एंटरटेनमेंट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, TCP स्टैंड्स फॉर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस प्रैक्टिस सेट। ये जो TCP है इस तरह से बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशनल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांजिस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल प्रोटोकॉल। जी अंजलि चौधरी जी का बी ऑप्शन है। फटाफट आप इसको कंपटीशन के रूप में पेपर को लें। 15 क्वेश्चंस मैंने आज पेपर सेट में रखे हैं, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते रहेंगे। तो आप, आज मैंने ये ट्रायल वर्जन जो फर्स्ट पेपर का था, आज मैंने पहली बार इसको आज लाइव सेशन इसका स्टार्ट किया है। तो फटाफट अंतिमा तिवारी जी का बी ऑप्शन है, मानिक चंद यादव जी भी बी ऑप्शन बता रहे हैं, सुमन कुमारी जी का भी बी ऑप्शन है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में ज़्यादा उत्तर आ रहे हैं। सही उत्तर होगा पारुल राय जी बी ऑप्शन। फटाफट आप रिस्पांस अपने देते रहें। सही उत्तर जो होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS, सर्विस मैक्ट पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई या फिर सेव पावर मैन सप्लाई। फटाफट आपको रिस्पॉन्स देना है। 6 नंबर क्वेश्चन, SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई, सेव पावर मैन सप्लाई या फिर सर्विस मैक्ट पावर सॉप। फटाफट सुखदीप सिंह जी फटाफट आप उत्तर देते रहिए। 6 का बी ऑप्शन अंजलि चौधरी जी का बता रही हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फटाफट रिस्पॉन्स आते रहने चाहिए, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऐसा करिए 1 to 15 नंबर आप नोट करके रखिए, आप जरूर चेक करिए कि आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ये आपके लिए जो आप अपना सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं इसी के थ्रू। जी हाँ फटाफट रिस्पांस आते रहने चाहिए। मानिक चंद्र यादव जी का ऑप्शन आ चुका है बी ऑप्शन, पारुल रॉय बी ऑप्शन। फटाफट रिस्पॉन्स देते रहिए आप लोग। सही उत्तर क्या होगा, सुमन कुमारी जी का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन ही होगा, SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, NTA NET के लिए प्रीवियस पेपर्स आप देखेंगे आपको जरूर दिखेगा फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। 7 नंबर, ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा, ISDN का फुल फॉर्म यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डाटा नेटवर्क। फटाफट आपको रिस्पांस देते रहना, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाटा नेटवर्क, रिस्पांस आपके आते रहने चाहिए। ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा, फटाफट आपको रिस्पांस देना है। 7 नंबर क्वेश्चन, ISDN नेटवर्किंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जी हाँ बद्री सुभाषिनी जी ए ऑप्शन है, अंतिमा तिवारी जी का भी ए ऑप्शन है। फटाफट आप क्वेश्चन नंबर के साथ में उसका ऑप्शन सेलेक्ट करते रहिए। पूजा रानी जी वेलकम, 7 का सी पार्ट इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क के बारे में बता रही हैं। पारुल रॉय ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अंतिमा तिवारी जी ए ऑप्शन, मानिक चंद्र यादव जी का ए ऑप्शन है। फटाफट आपके रिस्पॉन्स आने चाहिए। ISDN का फुल फॉर्म, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। एंड
8 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग फाइल्स टू अ सीडी रोम नोन एज, सीडी रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्री पेपर में आपको मिलेगा, एनटीए नेट में ये पूछा गया है। प्रत्युषा साहा जी, आप क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ साथ में इसका नंबर जरूर लिखें। सी ऑप्शन होगा, कौन से क्वेश्चन का होगा फटाफट। सुखदीप सिंह का A7 का ए आ रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको रिस्पांस देना है। अंजलि चौधरी जी, जी हाँ क्विक रिस्पांस आ रहा है, ए ऑप्शन। जी हाँ अंतिमा तिवारी का भी बी ऑप्शन है, जिपिंग, बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या फिर रिपिंग। बद्री सुहासिनी जी का ए ऑप्शन है, बर्निंग। सीडी रोम में फाइलों को कॉपी, यानी सीडी रोम जो होती है, जो सीडी होती है, जिसको जो जो ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसको मेमोरी की एक पार्ट के रूप में, हार्ड ड्राइव के रूप में बोला जाता है, वो एक फॉर्म है जिसमें हम कंप्यूटर से उसमें फाइलें जब कॉपी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसी प्रोसेस को बताना है आपको। मानिक चंद यादव जी ए ऑप्शन, प्रत्युषा साहा ए ऑप्शन है। जी हाँ थैंक यू वेरी मच। सुमन कुमारी ए ऑप्शन है, फटाफट रिस्पॉन्स देते रहना। जी हाँ मशरफ हुसैन जी वेलकम हमारे चैनल में, आप नए जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट सब्सक्राइब बटन क्लिक करेंगे और उसके बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें, नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकें। प्रमोद चौकीन जी डी ऑप्शन बता रहे हैं, सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आपके रिस्पॉन्स आते रहना चाहिए। जी हाँ सीडी रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या फिर रिपिंग। फटाफट आपको आंसर देना है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, बर्निंग। जो कॉपी करने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच ऑफ दीज यूज टू चेक द सीट लैंडेड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ जो आपको सीट मिलती है जहाँ पे आप बबल्स होल जो होते हैं उनको आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आप उनको रंगते हैं, उसके बाद में आपकी जो सीट होती है उसको जांचने के लिए, उसको चेक करने के लिए। उर्मिला कुमारी जी वेलकम। सुमन कुमारी जी 9 सी ऑप्शन बता रही है। मानिक चंद यादव जी सी ऑप्शन, उस सीट को रीड करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, MICR, OCR, OMR या फिर MCR। फटाफट अंजलि चौधरी जी का बी ऑप्शन है, फटाफट आपको रिस्पांस देते रहना। अंतिमा तिवारी जी ए ऑप्शन बता रही है, MICR, MCR। चलिए फटाफट आपके रिस्पांस आते रहने चाहिए। सही उत्तर क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म भी अगर आप टाइप कर सकते हैं, जो लोग रिस्पांस दे चुके हैं उसकी फुल फॉर्म भी बता दीजिए, तो जो राइट आंसर है उसकी फुल फॉर्म बता दीजिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। MICR जो होता है, जो OCR होता है ऑप्टिकल कोड रीडर, OMR ये जो ऑप्टिकल मार्कशीट रीडर, इसको कहा जाता है इनपुट डिवाइस, ये सारी इनपुट डिवाइसेज ही हैं। और OMR जो है इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ बद्री सुहासिनी ऑप्टिकल मार्क रीडर सही उत्तर है आपका। फटाफट आपके रिस्पॉन्स इस तरह से भी आने चाहिए। स्वेति उत्तम जी 9 का सी पार्ट सही होगा क्योंकि OMR सीट, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, प्रत्युषा साहा जी सी ऑप्शन बता रही हैं, तो आपको जो सीट दी जाती है उसके लिए बोला जाता है OMR सीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो मार्क जो आप करते हैं, जो आप अपने कॉलम जो सेलेक्ट करते हैं उसके मार्क को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसी को कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, HTML बनाने के लिए प्रयोग होता है मशीन लर्निंग प्रोग्राम, हाई लेवल प्रोग्राम, वेब पेज या फिर वेब सर्वर। मशीन जो HTML है उसका यूज क्या होता है, HTML इज यूज टू क्रिएट, किस लिए HTML का यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है इसके लिए भी। सुमन कुमारी 10 का बी, 10 का सी, सुहासिनी बी, पारुल रॉय सी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, फटाफट रिस्पॉन्स देते रहिए। जी हाँ मुशरफ हुसैन जी ए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, स्वेति उत्तम, अंतिमा तिवारी का भी बी ऑप्शन है, उर्मिला कुमारी ए ऑप्शन, प्रमोद शौकीन सी, मानिक चंद यादव सी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, फटाफट रिस्पांस देते रहिए। अंजलि चौधरी जी 10th का सी, वेब पेज के लिए ज़्यादातर ऑप्शन आ रहे हैं। उर्मिला कुमारी जी ए ऑप्शन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के बारे में है, फटाफट रिस्पांस आते रहने चाहिए। सुखदीप सिंह जी का ए ऑप्शन है, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। HTML इज यूज टू क्रिएट, HTML बनाने के लिए प्रयोग होता है, प्रत्युषा साहा ए ऑप्शन, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, हाई लेवल प्रोग्राम, वेब सर्वर या फिर वेब पेज।
द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, HTML इज यूज टू क्रिएट वेब पेज। HTML जो होता है वेब पेज बनाने के लिए होता है। जो भी हमारा जब हम किसी मेल किसी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, जो उसका होम पेज होता है, यानी वो जो पेज होता है जो वेब जो हमको इंटरनेट के माध्यम से दिखाई पड़ता है, उसको क्रिएट करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन इज द कंप्यूटर जार्गन WWW स्टैंड फॉर। जी हाँ, WWW का फॉर्म मीन होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा अलग सा तरह से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है। जो ट्रिपल डब्ल्यू के साथ में यहाँ पे 4W है, आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन में फुल फॉर्म क्या होगा। वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ वेब, वर्ल्ड वाइड वुमेंस वेब, वर्ल्ड वाइड वुमेंस वीक। फटाफट रिस्पॉन्स आना है आपका। अंजलि यादव जी का ए, जी हाँ ए ऑप्शन है। पारुल रॉय ए ऑप्शन, फटाफट आप रिस्पॉन्स देते रहिए। सत्य उत्तम ए ऑप्शन है। जी हाँ, फटाफट रिस्पॉन्स आते रहने चाहिए। WWW का फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा। प्रमोद शौकीन ए ऑप्शन है। बद्री सुहासिनी ए ऑप्शन है। जी हाँ, ज़्यादातर लोग ए सेलेक्ट कर रहे हैं। अंतिमा तिवारी भी ए ऑप्शन है। आप फटाफट रिस्पॉन्स देते रहिए। आप ज़रूर चेक करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। 15 क्वेश्चन हम यहाँ देंगे आज। इसके बाद में हम आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, बदलाव शर्मा जी स्वागत है आपका। 11 आपको 10 बजे करेक्ट आपको चैनल पे आ जाना है, वॉच करना है वीडियो। सुखदीप सिंह जी का ए ऑप्शन है। फटाफट रिस्पॉन्स देते रहिए। वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म के लिए सेलेक्ट करने हैं ऑप्शंस ज़्यादा। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। नाउ वी हैव 12th नंबर क्वेश्चन। वाई स्टैंड फॉर, वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, वायरलेस मैक्सिमम कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्टैंड फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और 4th नंबर ऑप्शन वायरलेस इंटरनेट मैक्सिमम कम्युनिकेशन। वी डिसाइडेड टू प्लान दिस प्रैक्टिस सेट इन बाईलिंगुअल बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। जो हमने जो निर्णय लिया है वो इस प्रैक्टिस सेट को दोनों ही भाषाओं में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाइलिंगुअल नहीं होते, वो इंग्लिश वर्जन को ही प्रेफर करते हैं, तो मैंने दोनों ही लैंग्वेजेस में इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने का काम लिया है। तो कंप्यूटर में ज़्यादातर आपको इंग्लिश टर्म्स को ही यूज़ करना रहेगा। अंजलि चौधरी जी 12 का सी ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हैं। मानिक चंद यादव 12 का ए। जी हाँ, प्रमोद शौकीन, बद्री सुहासिनी, स्वेति उत्तम रिस्पॉन्स आ चुके हैं। फटाफट आपको क्विक रिस्पॉन्स देना है इसको आपको। जी हाँ, होशाली अनिल कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम। 12 का डी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, वायरलेस इंटरनेट मैक्सिमम कम्युनिकेशन। उर्मिला कुमारी सी ऑप्शन है। फटाफट आपको रिस्पॉन्स देते रहना है। सही उत्तर क्या होगा, वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस मैक्सिमम कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्टैंड फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वायरलेस इंटरनेट मैक्सिमम कम्युनिकेशन। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। जी हाँ, वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। मैं बार बार उसको रिपीट करता हूँ ताकि आपको लर्न भी हो जाए। आप सुनते रहिए फटाफट, और ये क्वेश्चन हैं इन फुल फॉर्म को आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि अब जनरली फुल फॉर्म रैम रोम इस तरह से नहीं पूछ रहा है। जो एग्जाम का लेवल है थोड़ा सा ग्रो है, कॉम्पिटिशन को देखते हुए आपको इस तरह के भी फुल फॉर्म याद करने होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, MIME stands for। जी हाँ, फुल फॉर्म से रिलेटेड या कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड आज की टेस्ट सीरीज है। इसमें जो भी क्वेश्चंस बचेंगे हम आप नेक्स्ट सेशन में उनको सॉल्व करेंगे। MIME का फुल फॉर्म होगा मल्टीपर्पज इंटरनल इंटरनेट मेल एक्स्ट्रा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल इंड, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल मेल ईमेल, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फटाफट आपके रिस्पॉन्स आने चाहिए। MIME stands for, जी हाँ, बदलाव शर्मा जी का ऑप्शन आ चुका है। वेरी गुड, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स आया है, डी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अंजलि चौधरी जी का भी डी ऑप्शन है। जी हाँ, पूजा रानी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डी ऑप्शन। मानिक चंद यादव सी। जी हाँ, अनिल कुमार जी ए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। मुशर्रफ हुसैन जी भी डी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। फटाफट रिस्पॉन्स देते रहिए। अंतिमा तिवारी जी का सी ऑप्शन है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल ईमेल। पारुल रॉय सी ऑप्शन है।
जो भी लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415252028 पे संपर्क करें, जो कि इसके फ्रंट पेज पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर। फटाफट आप वहाँ पे हमें अपना नाम और आप कहाँ से हैं फटाफट हमें टाइप करके बताइएगा, और उसके बाद में हम आपको पीडीएफ भी सेंड करेंगे ताकि ये आपके नुस्खे रूप में आपके पास में कलेक्ट होता रहेगा। मैंने चैट बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर दिया है, जो भी लोग नोट करना चाहें फटाफट वहाँ से नोट कर लेंगे। जो भी रिस्पांस आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 14 नंबर क्वेश्चन। व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर और 22 दिसंबर। फटाफट आपको रिस्पांस देना है। 14 का ए बदलाव शर्मा जी का ऑप्शन आ चुका है, ए ऑप्शन 1 दिसंबर। जी हाँ, फटाफट 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर। बद्री सुहासिनी जी का भी ए ऑप्शन है, उर्मिला कुमारी जी भी ए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ए ऑप्शन वालों की संख्या बढ़ रही है। फटाफट मानिक चंद यादव जी 14 का ए। आपको कॉपी नहीं करना है, जो भी रिस्पांस देने हैं आपको। जी हाँ, अंजलि चौधरी जी का बी ऑप्शन है, अनिल कुमार जी बी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, मानिक घोष वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमारी प्रैक्टिस सेट को आप 10 बजे से ज्वाइन करेंगे, 10 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस होगा, उसके हिसाब से हम टाइमिंग सेट करेंगे। सुमन कुमारी जी का भी बी ऑप्शन है, सुखदीप सिंह जी ए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी बताना है कि ए ऑप्शन वाले दिन कौन सा दिन मनाया जाता है। जी हाँ, अंजलि चौधरी जी, अनिल कुमार जी, बदलाव शर्मा जी, प्रत्युषा साहा, फटाफट आपको ये भी टाइप करना है कि 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट आपको रिस्पॉन्स देना है, सही उत्तर क्या होगा। सुमन कुमारी जी बी ऑप्शन है, मोनिका मिश्रा का भी बी ऑप्शन है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, यानी 2 दिसंबर। तो जो भी लोग ए ऑप्शन दे रहे थे वो सारे ही गलत होंगे, बी ऑप्शन वाला सही होगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल एड्स डे, और 2 दिसंबर को इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, फटाफट आपके रिस्पॉन्स आने चाहिए। 15 नंबर आपको हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, जो जिस प्लेलिस्ट में ये चैनल हम ये वीडियो हम अपलोड करेंगे वहाँ पे हम एक लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो लिंक होगा जिसमें आप देख सकते हैं जितने भी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, हम आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड इन इंडिया? आपको बताना है कि सिलिकॉन वैली कहाँ पे लोकेट किया गया है इंडिया में, उसके बारे में आपको रिस्पांस देना है। बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता या फिर हैदराबाद, फटाफट रिस्पांस आने चाहिए। बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता या फिर हैदराबाद, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बदलाव शर्मा जी का ऑप्शन आ चुका है ए, फटाफट रिस्पॉन्स देना है। मानिक चंद यादव का भी ए ऑप्शन है, जी हाँ, पारुल रॉय ए ऑप्शन, स्वेति उत्तम ए ऑप्शन है। फटाफट आपको हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, या फिर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट पेपर वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको ICT एंड कंप्यूटर नेटवर्क नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे हमने एक वीडियो रखा हुआ है जिसका नाम है कंप्यूटर फुल फॉर्म से रिलेटेड, वहाँ पे आप जाइएगा, सारी चीज़ें आप डिटेल्स में देखिएगा, उस वीडियो के माध्यम से आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, लास्ट क्वेश्चन है, हम सभी रिस्पांस चाहते हैं यहाँ पे, फटाफट आपको रिस्पांस देना है। सिलिकॉन वैली जो होगी वो कहाँ पे होगी, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता या फिर हैदराबाद, हम आपके रिस्पांस चाहते हैं, फटाफट आपको रिस्पांस देना है। जो सही उत्तर होगा, जी हाँ, सुमन कुमारी जी भी ए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, सुखदीप सिंह बी ऑप्शन, प्रमोद शौकीन जी का ए ऑप्शन है, फटाफट रिस्पांस देते रहिए। उर्मिला कुमारी जी ए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, अंजलि चौधरी जी का भी ए ऑप्शन है, अंतिमा तिवारी जी का भी ए ऑप्शन है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है, मोनिका मिश्रा ए ऑप्शन है, फटाफट आपके रिस्पांस आते रहने चाहिए। हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से आप हमारे चैनल में जा करके ICT से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जो सही उत्तर इसका होगा वो कौन सा होगा? जी हाँ, ए ऑप्शन ही सही होगा। फटाफट आपको इसका रिस्पांस देते रहना है। जो सही उत्तर होगा वो ए ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी। इस लिंक को क्लिक करेंगे आप कंप्यूटर में फुल फॉर्म से रिलेटेड सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में आप जा करके आईसीटी वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करिएगा। कंप्यूटर आईसीटी से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सुमन कुमारी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमारे चैनल में इतनी देर अपना समय दिया। आपको हम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगस्त लास्ट जो होगी, इस बार ऐसा कयास लगा जा रहे हैं कि अगस्त लास्ट में इसका एग्जाम होगा, और इस एग्जाम के लिए हमारे पास में काफ़ी सारा समय है। हम सारी जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसको यहाँ पर डिटेल हम उस बारे में देखेंगे, और अगर जैसे ही हमारा एग्जाम करीब आने लगेगा हम टेस्ट सीरीज को दो टेस्ट सीरीज के हिसाब से डिस्कस करने लगेंगे। जो भी आपके सुझाव रहे आज टेस्ट सीरीज से, क्योंकि हमने आज ट्रायल लिया है, 15 क्वेश्चन ही हमने रखे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर हमारे 9415250028 पर जरूर संपर्क करें, और PDF के लिए अगर आप वहाँ पर संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमने यहाँ पे एक और बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।